रेंटिज मैक्स साइड चलोगे? जी बेटा चलूंगी। माँ, माँ आप यहाँ पूरी क्या आप ऑटो चला रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, आप कोई और ऑटो देख लो, जाओ यहाँ से। अरे माँ, मैं आपका बेटा अभिषेक, आप मुझे नहीं पहचान रही, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको क्या गलत फहमी हो गई है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मेरा बेटा तो आज से 5 साल पहले मर चुका है, तो आप मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा बेटा तब कहाँ मर गया था, जब उसकी वाइफ ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, तब उसको याद नहीं आई थी कि मेरी कोई माँ है? अरे जाओ तुम यहाँ से। कान खोल के ना एक बात सुन ले बुढ़िया, अगर तू इस घर में काम नहीं कर सकती ना, तो इस घर से निकल जा, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। बहू कैसी बात कर रही है तू, जितना हक तुम दोनों का इस घर पे उतना मेरा भी तो है ना, और ये मेरे बेटे का घर है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुझे मैं तेरी जानकारी के लिए बात बता दूं कि तूने ये घर और ये जायदाद हमारे नाम कर दिया है, अब इस घर पे ना और इन पैसों पे तेरा कोई हक नहीं है, समझी तू? और ये पैसे पकड़ और निकल जाए यहाँ से। बहू जब इस घर पे मेरे बेटे पर और इस घर के पैसों पे मेरा हक नहीं है, तो फिर ये पैसे लेकर भी मैं क्या करूंगी? बेटा इन पैसों को भी ना तू संभाल के रख, मुझे तो भगवान ने इतने गुण दे रखे हैं कि मैं कमा कर कहीं पे भी बर्तन मांझ के खाना खा लूंगी। हाँ हाँ जा बुढ़िया, जब दर दर की ठोकरें खाएगी ना तब समझ में आएगी तुझे। अरे तेरी बहू मेरे साथ इतना अत्याचार करती थी, सारे घर का काम करवाती थी, मैंने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी क्या कर दी, तुम लोगों ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। अरे वो तो शुक्र है कि रिक्शा चलाने को मिल गया और मैं अपना पेट पाल रही हूँ। अरे तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे 5 साल कैसे निकाले, दर दर की ठोकरें खाई है, कितने दिन भूखी प्यासी रही हूँ, यहाँ तक कि भीख भी मांगनी पड़ी है। अरे माँ मुझे नहीं पता था आप इतनी मुसीबत में हो, मैं जब भी घर आता था डोली मुझे बताती थी आप गाँव गए हुए हो। माँ मैं बस इसलिए फोन नहीं करता था क्योंकि आप 4 दिन के लिए गांव घूमने गए हुए हो, तो आपको क्या परेशान करना। माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जब भी घर आता था सबसे पहले आपके बारे में पूछता था, पर डोली ने बहुत गलत किया है मुझे झूठ बोलकर, वो मुझे हमेशा बस यही बताती थी कि आपकी माँ गांव गई हुई है, मुझे नहीं पता था आप इतनी मुसीबत में हो, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो और घर चलो माँ प्लीज। तू जा यहाँ से, मुझे तेरी और तेरी वाइफ की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। प्लीज माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माँ अगर आप घर नहीं जाओगे तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा, माँ प्लीज आप मेरे साथ चलो, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे बेटा ऐसे मत बोल, मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकती, चल बैठ, ये जिसका रिक्शा वापस करके घर चलती हूँ, बैठ। अभिषेक आप इतने दिनों बाद, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो, मुझे अगर पता होता ना तो मैं आपका फेवरेट खाना बना के रखती, और आपको पता है सर आपको कितना मिस किया, मुझे ना आपसे कितनी सारी बातें करनी है, आइए। पहले ही बताओ मेरी माँ कहाँ पे है? अरे तुम इतने दिनों बाद घर आए हो, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, उसके बाद सारी बात करेंगे। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मेरी माँ कहाँ पे है? अभिषेक तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई है, तुम्हारी माँ गांव गई हुई है और आ जाएगी कुछ दिनों में। एक बात बताओ मुझे, मैं जब भी घर आता हूँ माँ हमेशा गाँव की चली जाती है। मुझे क्या पता कि तुम्हारी माँ तुम्हारे आने में गाँव की चली जाती है, और वैसे भी उनको अपने गाँव की बहुत याद आ रही थी इसलिए वो गाँव चली गई है, और आ जाएगी कुछ दिनों में, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो?